अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे BTS के बारे में, जो दुनिया भर में बहुत मशहूर है और लोग इसे बहुत पसंद भी करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको BTS के बारे में तमाम हकायक बताएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाज़रीन, BTS जनूबी कोरिया से ताल्लुक रखने वाले 7 नौजवानों का बैंड है। जनूबी कोरिया का म्यूजिकल बैंड BTS कुछ ही वक्त में दुनिया भर में निहायत मकबूलियत हासिल करने में कामयाब हुआ है। इस म्यूजिकल बैंड में 7 नौजवान शामिल हैं, जो अपनी आवाज़ के साथ साथ खूबसूरती की वजह से भी शोहरत रखते हैं। ये कोरियन म्यूजिकल बैंड पाकिस्तान में भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जबकि यहाँ वक्त के साथ साथ इस बैंड के मदाहों में भी इजाफा होता जा रहा है। इन्हीं मुतालिक समाजी रबते की वेबसाइट ट्विटर पर भी BTS बैंड के लिए पाकिस्तान में एक ट्रेंड #BTS आवर मोहब्बत सामने आया, जबकि तेजी से मकबूल भी होने लगा। इस हैशटैग का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सार्फिन इस बैंड के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। ताहम सोचने की बात यह है, इस हैशटैग का आगाज अचानक हुआ कैसे। दरअसल इस कोरियन बैंड ने ब्राजील में एक कंसर्ट के दौरान अपने गाने लव योर सेल्फ यानी खुद से मोहब्बत करें पर परफॉर्म किया था, जिसमें स्क्रीन पर मुतादिद जबानों में लव यानी मोहब्बत लिखा गया। इस दौरान स्क्रीन पर उर्दू जबान में इस बैंड ने लव को उर्दू में मोहब्बत और इश्क लिखा। इस कंसर्ट की वीडियोस के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पाकिस्तानी अवाम BTS से बेहद मुतासिर हुई, जिसके बाद ट्विटर पर इस बैंड के चंद मदाहों ने BTS आवर मोहब्बत के ट्रेंड का आगाज कर दिया। एमी नामी सार्फीन ने इस कंसर्ट के दौरान का एक स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर किया, जिसके बाद उन्होंने लिखा कि ये बैंड जानता है कि पाकिस्तान में इसके मदाह मौजूद हैं, जिसके बाद इन्होंने इस ट्रेंड की मदद से इस बैंड के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। एमी के बाद कई सार्फीन ने भी इस हैशटैग का इस्तेमाल किया, जबकि इसे पाकिस्तान में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स शामिल करवा दिया गया। पाकिस्तानी सार्फीन ने उर्दू को अपने गाने का हिस्सा बनाने पर खुशी का इजहार करते हुए BTS का शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चले हैं कि BTS अपने मदाहों को आर्मी यानी फ़ौज का नाम देते हैं, और यही वजह है कि यहाँ मौजूद मदाहों ने खुद को इस बैंड का सिपाही करार दिया है। कई मदाहों ने तो इस बैंड की गुलकारी और अंदाज को भी खूब सराहा है, जबकि कुछ का तो ये भी कहना था कि इस बैंड ने ही लोगों को खुद से मोहब्बत करने की अहमियत बताई। चंद सार्फीन ने BTS के पाकिस्तान आने और उनके यहाँ एक कंसर्ट मुनक्किद होने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। वाज़े रहे कि BTS, जिसे बियॉन्ड द सीन भी कहा जाता है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में मकबूल है। नाजरीन, इस बैंड ने हिप हॉप म्यूजिक से आगाज किया था, ताहम अब कई अंदाज की मौसीकी में ये अपने गाने रिलीज कर चुके हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि गुज़िश्ता साल इस बैंड के नौजवानों को एशिया के सबसे ज्यादा पुरकशिश मर्द होने का आगाज भी मिला था। यही वजह है कि BTS को पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा शोहरत हासिल है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।